इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सतना जिले के चित्रकूट में मानसिक विपक्ष वृद्ध के साथ एक्सीडेंट कर मारपीट करने वाले वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर सतना पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता जी ने थाना प्रभारी चित्रकूट अभिषेक पांडे को तत्काल कार्यवाही करने को दिया था आदेश। पुलिस अधीक्षक के निर्देश का पालन करते हुए थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने चारों आरोपियों के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कार्यवाही करके सलाखों के पीछे पहुँचा कर शांति कायम रखने का आदेश दिया है। आइए खबर को विस्तार की ओर ले चलते हैं। घटना चित्रकूट के दिनांक 23/7 को मानसिक विपक्ष वृद्ध 62 वर्षीय सड़क पर पैदल चल रहे थे, जिसको एक स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे से आकर टक्कर मार देती है। वृद्ध व्यक्ति जमीन से खड़े होकर फिर चलने लगते हैं, मगर गाड़ी में बैठे व्यक्तियों ने देखभाल करने की बजाय गाड़ी से उतरकर डंडों और हाथ घूंसों से पिटाई करने लगते हैं और जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाने के समय एक व्यक्ति वृद्ध को लात मारता दिखाई देता है। वीडियो में वृद्ध व्यक्ति को मारपीट, गाली गलौज कर गाड़ी में बैठा ले जाते हुए चार गुंडे दिखाई दिए, जिसका वीडियो वायरल होने पर वृद्ध व्यक्ति में भतीजे ने संज्ञान लेते हुए फरियादी प्रमोद कुमार द्विवेदी, पिता भागवत प्रसाद द्विवेदी, उम्र 35 वर्ष, निवासी रामेश्वरम कॉलोनी सदगुरु सेवा संस्थान जानकी कुंड थाना चित्रकूट जिला सतना के निदाहदेही में फरियादी के चाचा तुरंत दास उर्फ बब्बू त्रिवेदी, पिता रामेश्वर द्विवेदी, उम्र 62 वर्ष, निवासी निर्मोही अखाड़ा रामघाट के पीछे गए, UP 70 CP 6757 टक्कर मारना एवं डंडे से मारपीट करना एवं गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देना एवं वाहन से मानसिक रूप से विपक्ष वृद्ध को अपहरण करने की रिपोर्ट की है। उपरोक्त की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीबृद्ध किया गया, जो आरोपी गणों की पता तलाश की गई। आरोपी गणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को जेल भेजा गया। नंबर 1 उमांशु उर्फ प्रीतु, पिता ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया। नंबर 2 बहोरी, पिता लखन यादव। नंबर 3 शिवा, पिता फूल सिंह। नंबर 4 राहुल, पिता राकेश खुशवाहा। ग्रीनर अपराधियों घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपी जानकी कुंड चित्रकूट जिला सतना मध्य प्रदेश निवासी है। फिलहाल सतना पुलिस की सराहनीय कार्यवाही से सलाखों के पीछे है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।